दोस्तों, आज जैसे मेरा सोमवार का व्रत है, आप लोग भी जानते हो लास्ट सोमवार का, तो सावन के महीने का, तो मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि अब घिया संग्रांत आ रहा है त्यौहार। जो उत्तराखंड वाले हैं वो जानते होंगे, बाहर वालों का पता नहीं, मुझे नहीं पता अदर स्टेट में, पर इस त्यौहार पे कहते हैं कि जो गढ़वाली होंगे वो समझते हैं, स्यारा का जो कूल होता है वो भी तोड़ देते हैं, मतलब जो धान में पानी जाता है ना उसे बंद कर देते हैं, वो पानी छोड़ देते हैं, जहाँ जाए ऊपर से ही मतलब खोल देते हैं, ताकि कि कहते हैं वो भी अपने मायके जाता है कि स्यारा कूल भी किया, पर मैं जान, तो इस टाइम तो लड़की की जरूरी अपने मायके जाती है। काजू ने भी जाना था, लेकिन काजू के गले के धागे की वजह से और ड्यूटी की वजह से, और मायका बहुत दूर है, इस वजह से शायद नहीं जा पाएगी। तो मैं तो जा रही हूँ और देखती हूँ, फिलहाल तो मैं तैयार हो जाती हूँ, काफ़ी लेट होगी, टाइम हो गया है 4:15, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो लीजिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मैंने सूट पहना है, ये मेरी शादी का सूट है, मैंने शादी के टाइम पे सिलवाया था, बीच में बहुत टाइट हो गया था मेरे पे, मैंने सिलाई भी खोली थी फिर भी बहुत टाइट था, अभी ये ठीक है थोड़ा, पता नहीं मैं कमज़ोर होगी या फिर ऐसे ही लग रहा मुझे, लेकिन अभी ठीक है, थोड़ा पहनने लायक है। और मैंने इस पर प्रेस प्रेस नहीं की थी, सिलवटें पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत आलस आ रहे हैं। तो अब मैं निकलती हूँ, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है, ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ आगे। अभी देखती हूँ, मैंने अपना सामान वामान पैक करी उस बैग में, मेरा चार्जर, मेरा ईयरफोन, सब कुछ है ये। मैं मिलती हूँ आपको अब तैयार होने के, तैयार तो हो गई पर आगे मिलती हूँ रास्ते में। तो दोस्तों चलो निकलते हैं, सासू माँ भी यहीं पे खड़े हैं, तो चलो चलो निकलती हूँ मैं। चलो जेड रुके, पैर छू के आती हूँ मैं। तो मैं निकल चुकी हूँ, चप्पल का खोला, चप्पल तो मेरा भारी है और मेरे चप्पल मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहे हैं, खुशी की बात ये है। हाँ चप्पल उसी है, सबसे खुशी की बात ये है। अबे पैसे तो पहने लीजिए, चल कोई नहीं, हाँ तो काजू आ रही है मुझे छोड़ने, मैं सास माँ को काजू एक धारल मिले था, हाँ तो मैंने बैग टंगा दिया माँ, बस मौसा जी भी कल जाएंगे और मैं अभी जा रही हूँ। चलो ठीक, मौसा जी पर ख्याल रखें, हाँ ओके, भैजी फूटा उजल मच भी चल कति गुआरा जी लोग भी देख लो। चलो तो दोस्तों, काजू की चुनने का भी अलग ही सिस्टम है, बांधनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो अब तो मैं बैठती हूँ, चलिए रास्ता काट दूँ। मौसा जी और सासू माँ देख रहे हैं वहाँ से, मौसी जी को बोला बहुत बहुत धन्यवाद, हम खड़ पहुँचाने को। ये मेरा हैवी ड्राइवर पता नहीं कहाँ पे लमडाएगा मुझे। कौन से बुज्जे में बुजिया ना गिरा देगा मेरे को। मेरा बच्चा, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मियां वाला के, अब देखते हैं मुझे ऑटो का क्या सीन है, ये तो सारे इधर के ऑटो हो गए ना। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए, काजू के हाथ में कुछ चला इधर, अभी भी लग रहा, अभी भी लग रहा बोल। तो फाइनली आप ठीक है? ठीक है, बड़ी मुश्किल। अब मैं यहाँ पे पूछूंगी मुझे मिलता है ऑटो या नहीं। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ, चल ठीक है फिर, बाय, ओके टाटा। अब मैं देखती हूँ ऑटो से कोई जाते हैं या नहीं, पता नहीं क्या ही सीन होगा, बुकिंग में बोलेंगे तो बता। तो दोस्तों काजू तो निकल चुकी है और मैं अभी ऑटो का वेट कर रही हूँ, ऑटो नहीं आ रही यार, दिक्कत हो गया उसको, काजू भी जा चुकी है। तो दोस्तों फाइनली मिल चुका है, बड़ी मुश्किल से अपडेट करने का, फाइनली मैं उतर चुकी हूँ डोए वाला में, सांडा लगा यार, ये रहा डोए वाला। अब मुझे काफी नीचे जाना पड़ेगा ऑटो पकड़ने के लिए यार, चलो खुशी की बात है, कोई तो दिन ऐसा है जिस दिन ये बंद रहता है। मैं पहुँचने ही वाली हूँ ऑटो स्टैंड पे, अभी थोड़ा
थोड़ा दूर है पर मैं जा ही रही हूँ। दोई वाला की रोड अब काफ़ी मतलब काफ़ी खाली खाली सी लगने लगी है क्योंकि अब फ्लाईओवर बन गया तो उसके घर। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ चप्पलों की दुकान पे, एक से एक चप्पल दिखाई दे रहे हैं मुझे और इस वाली के लिए बोल रहे हो 150। इस वाली के लिए मैं पहन के देखती हूँ, मेरे पैर पे ऐसे अच्छे नहीं लगते यार, देखना कैसे लग रही। दोस्तों ये सारी चप्पलें 150 की, मतलब जोड़ के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने दूसरी पहन के देखी कैसी लग रही मेरे पैर में। दोस्तों मैं ले तो रही थी पर मैंने नहीं ली, फिर कभी देखती। तो दोस्तों मैं ले रही हूँ सेब, हो गए 1.5 किलो सेब। तो यहाँ पे पक रहे हैं भुट्टा और अंकल जी बोल रहे 20 का है, फिलहाल तो मेरा मन नहीं है। तो दोस्तों ये रहा डोई वाला का ऑटो स्टैंड और मुझे इन्हीं ऑटो में जाना है, देखती हूँ कौन सा जा रहा। ये तो मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो ये रहा माजरी का ऑटो, तो मैं चढ़ फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने घर के ऑटो के लिए, मतलब घर का नहीं, मतलब जो हमारे घर के रोड तक जाएगा उसमें। अब मैं आपको सीधा मिलूँगी घर पर। रोड पार करना थोड़ा टफ है, गाड़ियाँ बहुत आ रही है जा रही है, फिर भी ट्राई मारती हूँ चलती हूँ इधर से भी आ रही। तो सबसे पहले मुझे मिले घर पे भैया, सबसे पहले भैया मिले। जीते रहो और ठीक ठाक था। फोन कर दूँगा मैं जा। सुरज जी आ रखे हैं, सर से प्रणाम। ठीक ठाक जी, क्या बताए माँ जी? प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक, हाँ अब पता चल गया, चला के पैर छू। खुश रह खुश रह खुश रह। बाल कटा दिए तूने? तो दोस्तों मैं फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ, भाभी नहीं है, भाभी कीर्तनों में जा रही थी और अब देखते हैं मम्मी पानी लाती कि नहीं लाती। ये सूट ना वैसे चंदेरी सा कपड़ा है ना, इसका छुप सा राजा जहाँ अस्तर नहीं है, मतलब ये बाजुओं पे। तो दोस्तों मैंने कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए और सुबह से फास्ट भी है और नहीं खाया आज कुछ नहीं खाया हमने, दूध पीते थे हम वैसे लेकिन आज वो भी पीने का मन नहीं था, नहीं पिया, अब पानी पी रही हूँ। हाँ मैं बताने वाली थी कि घर से और मियाँ वाला तक तो काजू छोड़ने आए और कहाँ से मियाँ वाला से डोई वाला तक मैं आई ऑटो में, ऑटो वहाँ से 25 रुपये किराया पड़ा और डोई वाला से और माजरी तक मैं आई ऑटो में, फिर वहाँ से 20 रुपये किराया पड़ा यानी कि 55 रुपये किराया और वहाँ से हमारे यहाँ तक का भी 20-25 रुपये किराया हुआ यानी कि 80 रुपये तक किराया। बस में आती तो मेरा कम पड़ना था, बस में मेरा पूरे में मैं 30 रुपये में आ जाती यहाँ तक। खैर कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा खर्चा तो स्कूटी में आता है पर इसमें सही होता है, पर थोड़ा दिक्कत आती है सामान उतारना, बार बार जगह जगह पे उतारना रुकना इसलिए, बाकी तो सब ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों खुशी भी आ चुकी है, खुशी का रिएक्शन देखो। नमस्ते। खुश रहे बेटी खुश रहे। नहीं आना मैंने कल, नहीं आना मैंने, अब नहीं आऊंगी फिर, अब जा आने? नहीं तूने तूने तो बोला कि नहीं आना आने। तो पूछ की उठ चुकी है, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, गुड मॉर्निंग, जय जय तिलकारा नीची थी तैयार। दोस्तों ऊपर चलते हैं, मैंने सुना कि शिवली ने जिस तार में हम कपड़े सुखाते हैं वो तोड़ दिए हैं, तो चलो अब देखना इसकी ना यहाँ यहाँ गले गले आ पड़ी, इसका मुंह देखना कैसे हो रखा है। अब उसे पता है कि उसने रस्सी तोड़ी उसकी माँ उसकी हड्डी तोड़ेगी, देखना कैसा फील हो रहा है आपको। सर प्लीज कुछ बोलना चाहेंगे? सर प्लीज बोलिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो तो मैं आपके ये जो आपने रस्सी तोड़ी है तो मैं बांध सकती हूँ। गंदा फील हो रहा,
क्या मतलब डर लग रहा, क्या हो रहा? डर लग रहा है किस बात का? मम्मी से मार खानी। तो फिर आप इसमें झूला क्यों झूल रहे थे बता सकते हैं? नहीं, आप इसमें झूला झूल के क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो लड़की है इसके सामने आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर क्यों झूला झूल रहे थे? जवाब दीजिए प्लीज। अब देखना मम्मी से कैसी धुलाई होगी, जैसे कपड़ों की धुलाई होती है उससे भी ज्यादा। कितने से? मतलब तू उसमें झूला झूल रहा था, इतने ऊपर भी अटक गया, तो उसने तो टूटना ही था, ज्यादा नहीं तो ज्यादा अटक ले, दूसरी रस्सी बची है उसमें अटक के झूल ले। हाँ तोड़ दे, वैसे तूने मार खानी है एक के बदले तो दोनों के बदले खा लियो। अब क्या करना, अब इसके सामने तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़की के सामने मार खाएगा तो। कुछ कहना चाहेंगे फिर? दस बार उठक बैठा करेगा तो मैं कोशिश कर लूंगी। चल कर। चल बढ़िया है, बोल सॉरी सिमो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो मैं तेरी मम्मी से बचा लूं तेरे को? मम्मी की डर लग रही कि पापा की? मारेगा कौन, मम्मी या पापा? दोनों मारेंगे। अरे यार फिर तो बचाना पड़ेगा तेरे को। चलो तो गाइज, यार बच्चा इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल मैं इसको फील कर रही हूँ। जब हम बचपन में कुछ गलती करते थे तो बहुत डर लगता था, आज हम बड़े हो गए, आज हमें मार खाने की डर नहीं लगती, पर बातें सुनने की बहुत डर लगता है ना। मार नहीं खाते हम, पर ऐसा लगता है कोई सुना नहीं दे, इतना वो लगता है डर। तो मुझे पता है मार का डर कैसा होता है, मैंने फील किया है, तो मैं उसकी शक्ल देख के फील कर रही हूँ। तो दोस्तों को कुछ बोलना चाहिए कि ऐसे उल्टे उल्टे काम मत किया करो, जो गलती मुझसे हुई वो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों चलो मैं कुछ करती हूँ, वैसे तो मुश्किल है इसका कुछ होना क्योंकि पहले से टूटी हुई है, दो जोड़े हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। चलो शिवली को बचाने के लिए एक रस्सी ये है और दूसरी रस्सी ये है, तो मैं इन्हें बांधने की कोशिश करूंगी शिवली को बचाने के चक्कर से, ये बनता है कि नहीं। बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी है, दम बहुत लगाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ बहुत ज्यादा यार। फिलहाल तेरे को बचाने के लिए कर लेती हूँ, उसके बाद वैसे भी वो कच्चा हो गया, आप लोगों को रस्सी चेंज करनी पड़ेगी। नहीं बनेगा इसलिए रस्सी कच्ची हो गई, मैं तेरी मम्मी को समझा दूंगी, ठीक है? तुझे मैं मार खाने से बचा दूंगी। रस्सी कच्ची है देखिए, बार बार टूट रहा हो तो कच्ची नहीं होगी बेटा, मैं समझ गई इसमें तेरी गलती नहीं थी, रस्सी कच्ची हो गई। पक्की रहती तो उसमें टूटना नहीं था, टूटना ही नहीं था। ये देखा देखा देख, टूट गया देख, इतनी कच्ची रस्सी है, पूरी टूट गई, वो कच्ची रस्सी है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, ये कच्ची रस्सी है, मैं समझा दूंगी भाभी को, ठीक है? तुझे बचाना है ना मार खाने से, तो तू टेंशन मत ले, बोलना कि सिमो को पूछ लो बोलना, ठीक है? काला वाला वो तो पक्का है, देख रहे कच्चा है, ये नीला वाला काला वाला कच्चा है, गधे ये वाला है पक्का, ये पक्का है, इसे भी तोड़ना है तेरे को? ना तोड़ नहीं, मैं तेरे माता समझे दो फिलहाल कि वो कच्चू, ठीक है? पर इधर बैठ के याद रख के झूला नहीं झूलूंगा, झूला झूलना को नहीं समझे, सिर्फ कपड़ा टंगाणो कौन सिमो पता है तो क्यों झूल रहा था इसके ऊपर, बड़ा बोल रहा पता है, इसका चेहरा दिखा, इसकी माँ से बोलो, नजरें नीचे कर, चल नजरें नीचे कर, झुका, हाँ नानी नानी तो बोलती ही रहेगी, जैसी मम्मी आएगी नानी बोलेगी ये रस्सी तोड़, ये रस्सी तोड़ फिर मामी क्या बोलेगी, अबे इधर आ पूरी बात करके जा, ठीक है? तब इतनी बात हो गई, तब उस मुझे नानी से पहले बोलना पड़ेगा या नानी के बाद? नानी के बाद, मतलब पहले शिवली को मार खाने देना है उसके बाद बोलना। शिवली भाई दीदी तो यही बोल रहे, अब बता तू बता, सही बोल रहे दीदी, क्या करना पड़ेगा? पता नहीं मार तुझे हम मार खाते हुए देखेंगे, तेरा वीडियो बनाएंगे, ये ठीक रहेगा? तो क्या करना कुछ बता ना, तेरी क्या इच्छा है बता? दादी से पहले ना, वो तो बोल रहा दादी से पहले, आप क्या करना? तू क्या बोलती है, पहले बताना कि बाद में? पहले ताकि ये मार ना खाए, देख ले तेरे वो फ्रेंड भी बचा रही, बुआरी ये हम शिवली के लिए मांग रहे हैं इस लड़की को, क्या नाम है?
अंशिका और आयुष। वाह 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 वाह, ये ठीक है। दोस्तों यार वो कोशिश करना मुझे बुरा भी लगा रहा है, पर इसके कर्म भी ऐसे हैं ना, इसके मार खाने वाले कर्म ही रहते हैं। अब इसे तू चाहे इधर से देख चाहे उधर से देख, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब बचा सकता है तुझे कोई तो वो कौन है? हाँ आप, मैं। तो फिर आप रिलैक्स होके बैठ जाए यहाँ पे, कोई टेंशन मत ले। दूसरी भी रस्सी तोड़नी है तो दूसरी भी टंगी हुई है वो भी तोड़ दे वरना। तो दोस्तों शिवली के पापा बाहर आए, शिवली के डर के मारे हालत खराब हो गई है और शिवली देख रहा है किधर से पापा आ रहे। प्रॉमिस कर कि तू मेरा हर कहना मानेगा, पक्का ना? ले ठीक है। तो दोस्तों भाभी आ चुकी, भाभी से बातचीत करनी है। कालिया नाच रही है, आनो ये छोड़ो टाणो तू। अरे मेरी दीदी आ गई, सॉरी मैं दीदी को, दीदी प्रणाम, थैंक यू सो मच। एना चमकता मारो पूठो नु बाण के से हाल आज बना। तो दोस्तों फाइनली शिवली बच चुका है। शिवली हाथ मिला दे, अबे सुलटा हाथ मिला गधे। हमने कितनी प्लानिंग बनाई थी ना शिवली को बचाने के लिए।